सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज, आज बहुत दिनों बाद मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गाइज, लास्ट मैंने ब्लॉग शूट किया था अप्रॉक्स एक महीने पहले, जब हमारा कॉलेज में फंक्शन था, दिवाली फंक्शन के टाइम। तो उसके बाद में कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैं बाहर आया था अलीबाबा स्ट्रीट पे। तो मैं सोच रहा था कि आपको बताऊँ कि अभी स्नोफॉल हो रखा है और यहाँ पे क्रिसमस की प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, तो कैसा क्या माहौल है, सब कुछ कैसा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कैसा माहौल है, और अभी स्नोफॉल वगैरह भी बहुत हो रखा है इधर। अभी टेम्परेचर आज जो है वो है -11, काफ़ी टेम्परेचर है और बहुत ठंड हो रखी है। देख रखा होगा आपने, मैंने जैकेट डाल रखे हैं दो, एक ये लॉन्ग जैकेट है, ऊपर अंदर दूसरा जैकेट है, अंदर टी शर्ट है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसी कैसी स्टॉल्स वगैरह लग रही है, किस किस चीज़ के बारे में। ओके, सो गाइज, आप ये देखिए, ये स्टॉल्स वगैरह लग रही है, टेडी बियर वगैरह और भी। ये विंटर ग्लव्स वगैरह लग रहे हैं और गाइज, ये अथार्व हमेशा की तरह ये मेरे साथ ही रहता है, ये मेरे हर व्लॉग में आपको दिखेगा। इसके बिना कोई दिन अगर व्लॉग आ रहा है तो समझ जाना मैं इंडिया में हूँ, इसके बिना कोई व्लॉग आएगा नहीं अपना। सो कैसा लग रहा है ब्रात, बहुत दिन बाद? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम क्रिसमस वाली वाइब आ रही है, न्यू ईयर वाली। और एग्जाम भी आ रहे हैं, तो दूसरी वाइब कैसी आ रही है? एग्जाम की वजह से तो फट गया भाई। चलो कोई नहीं, कर लेंगे कवर, हो जाएगा। और गाइज, ये हमारा रशियन बॉय आ चुका है, ऋषिकेश ब्रंगे। ये बहुत दिनों बाद आपको व्लॉग में दिख रहा होगा। और ऋषिकेश कैसा है भाई? एकदम मस्त, मजा आ रहा है, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ पे उतरे तुम? आगे वाले ओलंपिक शॉप पे। सो गाइज, हम क्या है, बस में से जब उतर रहे थे तो मैं और अथार्वा जैसे निकले, तो उसके बाद में गेट बंद हो गया, तो ये लोग आगे चले गए थे, तो ये लोग अब आए हैं। सो अब इनसे मिलते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। बाय। ऋषिकेश आज फोटो शूट करवा रहा है, मतलब बहुत कम होता है गाइस कि ऋषिकेश फोटोज के लिए रेडी होता है, और आज जब वो फोटो खिंचा रहा है तो उसको अथार्वा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ओ व्हाट अ हेयर स्टाइल अथार्वा ब्रो, छपरी हेयर स्टाइल ब्रो, या क्या लग रहा है। और ये दो दो कैमरा मैन लग रहे हैं, दीक्षित को कोई फर्क नहीं है, लोग फोटो खिंचाए, लोग कुछ भी करें। भाई क्या सीन है एग्जाम का? और ये अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं और इनका काफी अच्छा चल रहा है चैनल, अथार्वा दियोरे व्लॉग्स को जाके सब्सक्राइब करो। और एडिटिंग काफी अच्छी कर रहा है, मतलब कुछ कुछ वीडियो तो 1K तक रीच करी है। व्लॉग की बात कर रहा हूँ, बाकी शॉर्ट्स तो 100K तक जाते हैं इनके। तो गाइस, फोटो शूट वगैरह हो चुका है और यहाँ से निकल गए हैं। और अभी ऋषिकेश बहुत देर से बस जैकेट सेट कर रहा है, पीछे से बार बार जैकेट को उठा देता है, फिर नीचे कर लेता है। हाय ब्रो। गाइस पता है क्या होता है, जब ऋषिकेश की तरफ कैमरा कर दो और वो वैसे तो कुछ ना कुछ बोल ही देता है, अगर कुछ कुछ नहीं होता बोलने को तो वो हाय ब्रो कर देता है। वो था। और वो तो क्या है, थोड़ा व्लॉग चल रहा है इसलिए थोड़ी इज्जत कर रहा है, नहीं अभी व्लॉग नहीं होता है, मैं पीछे दिखा। अथार रुस्की में एक सेंटेंस बोल के दिखा, अथार रुस्की में एक सेंटेंस बोल के दिखा। दुआ बोलन एंड अपन को जिम ज्वाइन करनी है तो गाइस ये देखो, सर्दी के अंदर भी देखो, ये बिल्कुल नहीं है, वो ये कुछ है कुत्ता ही। देखो गाइस, सर्दी के अंदर इनको मतलब ये ऐसे ही हो रखे हैं, इनको सर्दी भी नहीं लगती। देखो सिनेमा चल रहा है, चलो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सिनेमा, फिर देखते हैं, और कुछ खाने का प्लान हुआ तो पहले सिनेमा जाएंगे। चलो दूसरा एक स्पॉट।
गाइस ये देखिए स्ट्रीट, आपने पहले भी देखी होगी गाइस दिवाली वाले ब्लॉग में जब हम बाहर गए थे नाइट आउट के लिए, तो ये स्ट्रीट आपने जब देखी होगी, लेकिन जब आपने इस वे में नहीं देखा होगा इसको, आप देखिए कैसे इस पे पूरे पे स्नो जमी हुई है नीचे, और अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो ही रही है, बहुत कम लेकिन, और टेम्परेचर कसम से इतना ज़्यादा है ना, आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ आपको दिख रहे होंगे कितने लाल हो गए, और ये बस लोकेशन ढूंढ रहे कि कहाँ फोटो अच्छी आ जाए, और ये भाई फोटोज एडिट कर रहे हैं, कौन सी फोटो एडिट कर रहा है भाई, एडिट करके और भेज दियो, ठीक है। सो गाइज अभी हम फोटोशूट वगैरह हो गया है और अभी निकल रहे हैं, तो कहाँ जाना है थार? तो गाइज अभी हम पहले सिनेमॉन जाएंगे, फिर उसके आगे देखते हैं कहाँ चलते हैं, और सोचो यार जगह सोचो, कुछ मिल ही नहीं रहा आज, मतलब गाइज चक्कर ये हो जाता है ना कि नॉन वेज वाले हम सब नॉन वेज है और एक अथारो है जो वेज है, बहुत दुख है भाई, तो ये वेज के चक्कर में बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, मतलब जब ये साथ होता है तो वेज चीज़ें खानी पड़ती है, तो अब जैसे KFC बकेट खाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये है तो सोच रहे हैं पहले सिनेमॉन जाए फिर सोचेंगे, और यूसुफ हमारा प्लान बना के आता है हमेशा, इसको बकेट खाना होता है, वो देखो मैंने इसका नाम लिया उधर इधर आ गया ब्लॉग में आने के चक्कर में, भाई हो जाएगा फेमस यार, मेरे साथ रहेगा हो जाएगा, कर देंगे फेमस यार तेरे को, ऐसे क्या ही तू कर रहा है मतलब, अरे फेमस पहले से ही, मेरे फॉलो मेरा सब्सक्राइबर्स है मतलब 800 से ऊपर है, तो मिनिमम ज्यादा नहीं तो 800 लोग तो तेरे को जान ही जाएंगे, 800 तो जान ही जाएंगे भाई, हाँ आराम से। सो पहुंच चुके हैं सिनेमॉन गाइस, ये रहा सिनेमॉन, बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है, ये देखो सिनेमॉन, और अंदर एंटर करते हैं इसमें, ठीक है भाई अच्छा लग रहा है। तो गाइस सबका खाके हो चुका है, और ये हमेशा की तरह लेट लतीफ अथारवा, इसका आई थिंक अभी आधा ही हुआ है, हाँ अभी आराम से खा रहा है धीरे धीरे, और देखो इसको खाना भी नहीं आता है, गिरा देता है। सुनो गाइस लगेज सब्सक्राइब कर देना, क्या कर दो चैनल को, लगेज सब्सक्राइब कर दो, और मैं क्या कह रहा हूँ यार, वो मुझे पानी की बोतल ऑर्डर करनी थी, तो वो क्या बोलते हैं मेरे को आता नहीं यार, बहुत ना क्या एड्रेस बता, अरे सब्सक्राइबर्स की भीड़ लग जाएगी भाई, एड्रेस मत बता, बहुत बार कंप्लेंट हो चुकी है, मैं जानता हूँ कि आप लोग हमसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी गाइस देखो अभी ये खाना पीना खा के हो गया है। सो गाइस निकल चुके हैं अब सिनेमॉन से बाहर आ गए हैं, और अभी KFC जाने का भी प्लान है कि जा सकते हैं, अभी सोच रहे हैं, जब तक ऋषिकेश कुछ फाइनल बता नहीं देता उसके बाद ही कुछ सोचेंगे, क्योंकि गाइस देखो सीनियर होता है, सहदेव अगर आज आता तो सहदेव को हम प्रेफर करते क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन अगर वो नहीं अवेलेबल तो उसके बाद में हमारे जो सेकंड सीनियर है वो ग्रुप में ऋषिकेश ही हैं, आले आले देखो ये तो हाँ ये गाना गा रहा है ना, गाले 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 आले, ये क्या है मतलब साले, ये वर्डिंग यूज होती रहती है हमारे बीच में, तो ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आले नहीं बोल रहे हम बाकी तो तेरे आले आले ने ना और अथार वो यूसुफ यार वो गाना सुनना चाहता हूँ मैं, वो गोविंदा मूवी का गाना था ना यार, एक बार आ जा थोड़ा थोड़ा इधर आ जा एक बार सब, मैं ता तेरी लेनी है ऐसे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऋषिकेश चल रहा है, देखो थोड़ा इसके जूते आराम से, ये मतलब ये जूते एकदम महिंद्रा थार जैसे, जूते नहीं जूते 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 ही बोला, हाँ कैसे हैं जूते, कैसे हैं जूते, एकदम महिंद्रा थार की जैसे इंडिया में वैसे, लेकिन ये शायद गिर गया था इनसे भी एक बार, थार पंचर हो गया, दो बार जनहित में एक पब्लिक मैसेज जारी किया था कि आते हम धीरे आना, वहाँ से सटक रहे, जनहित में जारी। सो अभी हम ओलिम्प में आ चुके हैं गाइस, आप देख रहे हो वॉचेस वगैरह काफी एक्सपेंसिव वॉच है, और ये क्रिसमस के लिए कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ सामान है, किसी को कुछ खरीदना हो तो यहाँ से खरीदते हैं,
जिंगल ऑल द वे है। गाइस अभी केएफसी में बकेट भी खा लिया है और अभी हम सब आ गए हैं और यूसुफ का भाई का मन है कि इसको फैमिलिया में कुछ देखना है जैकेट्स वगैरह, तो अभी फैमिलिया जाते हैं और कुछ जैकेट्स वगैरह चेक करते हैं कुछ मिलता है क्या। अगर मिलता है तो इसको एक जैकेट लेना है। ठीक है गाइस अभी मिलते हैं नीचे जाके। और गाइज एज यूजुअल आज भी हमको कुछ पसंद नहीं आया है, जैसे कि हमेशा होता है हम आते हैं और हमारे कुछ पसंद नहीं आता है और ये यूसुफ हमको हमेशा लेके आता है और इसको कुछ पसंद नहीं आता है। अरे कुछ था ही नहीं अच्छा। अरे देखा तूने? हाँ देखा तो मुझे नहीं लगता तूने देखा, बहुत जल्दी निकल आया तू। अरे तो अच्छा ही नहीं दिख रहा था मैं आ। सो गाइज निकल गए हैं अभी केएफसी से निकल गए, अब जा रहे हैं बस स्टॉप पे और अभी बस आ रही है। देखिए 2-5 मिनट में कोई तो भी बस आएगी, बस पकड़ते हैं और सीधा हॉस्टल। हो गया आज का दिन, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। रैंडम प्लान था, ऐसे ही हॉस्टल में बैठे थे तो ऋषिकेश ने बोला कि बाहर चलते हैं अलीबाबा, बोर फील कर रहा था वो तो ऐसे रैंडम निकले, लेकिन अच्छा हो गया, अब बाहर घूमे अच्छा लग रहा है। अब जाएंगे पढ़ाई वढ़ाई करेंगे अच्छे से, अभी जाते हैं बस का वेट करते हैं। आई थिंक 2-3 मिनट में बस आ रही है, उससे बस में बैठते हैं और एक बार हॉस्टल पहुंच के फिर मिलता हूं आपसे। दीक्षित, ओए दीक्षित, 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 ये सामने गाड़ी खड़ी है जो कब लेगा तू? वो ले ले, अच्छी है यार, है ना? सुन वो पहले पहले उसका ग्राउंड पहले उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो बैठ जाएगा ना, पूरी चपटी हो जाएगी। नहीं मतलब जैसे गाड़ी तू ले लेगा तो गाड़ी को तू ही चलाएगा या कोई और चलाएगा? ड्राइवर है ना तर। कौन? ड्राइवर अथर्व है ना। अच्छा ड्राइवर अथर्व है। सो गाइस फाइनली बस मिल गई है और अभी हम निकल गए हॉस्टल के लिए। सामने अथर्व बैठा है, बाकी सब दूसरी बस है। आई थिंक टैक्सी में आ रहे हैं यूसुफ और, क्योंकि हम 5 लोग थे तो टैक्सी में 4 ही आ सकते हैं, तो मैं और अथर्व बस में आ गए और वो लोग टैक्सी में आ रहे हैं। हॉस्टल पहुँच के मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस हम लेट हो गए हैं, तो टाइम था 10:30 बजे का था। गाइस वेलकम, हम जॉगिंग कर रहे हैं। यो आज रात को अपने आप जॉगिंग हो गई, लेट हो गए, हॉस्टल का गेट बंद होने से पहले पहुंचना है हॉस्टल। भाग भाग जल्दी भाग। सो गाइस हमको निकाल दिया है, हमको लग रहा था कि मामा गेट नहीं खोलेगी भाई का, सबसे 3 किलोमीटर तक दौड़ लगा है, लेकिन मजा आया, मजा आया। गाइस अभी दोबारा हॉस्टल पहुंच चुके हैं और आज का दिन काफी अच्छा था, बहुत मजा आया। और अथर्व मैंने बोला था कि मेरे व्लॉग में लास्ट तक साथ रहेगा और लास्ट में हम दोनों ही हॉस्टल में एक साथ आए। सो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और टेरा वाहे।